अगला जिज्ञासा है, कंगन पहने हुए हैं तो क्या मांस मछली नहीं खाना चाहिए कि खाना चाहिए? आपका मन करता है खाइए, नहीं मन करता है मत खाइए, इसमें जबरदस्ती क्या है? क्योंकि शिव तो जगत के गुरु हैं, तो जगत में कोई मछली खाने वाला है, कोई मांस खाने वाला है, कोई दारू पीने वाला है, कोई फल खाने वाला है, कोई भीख मांगने वाला है, कोई साधु है, कोई सन्यासी है, कोई वैश्या है, कोई राजा है, कोई रंक है, सबके गुरु होंगे महादेव, तब न जगत गुरु होंगे। अगर एक आदमी को भी महादेव कह देंगे कि हम तुम्हारा गुरु नहीं बनेंगे, तुम मांस खाते हो, तो जगत गुरु के कुर्सी से उनको उतर जाना पड़ेगा। इसलिए शिव का शिष्य है आप, यहाँ क्या सोचना है, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इससे क्या लेना देना। खेला तो मन खेलेगा, चेला तो मन बनेगा, रिश्ता तो मन बनाएगा, दोस्ती तो मन करेगा, अपना तो मन समझेगा। मन ही रिश्ता बनाता है तो जगत में ये रिश्ते चलते हैं। मन मान लेता है तो बेटा, मन मान लेता है तो पति, मन मान लेता है तो पिता, मन मान लेता है तो अपना, मन मान लेता है तो दोस्त, मन मान लेता है तो दुश्मन। मन मान लेगा कि मेरा महादेव है तो आप महादेव का चेला है। इसके लिए खान पान रहन सहन ऊंच नीच का कोई भेदभाव और वर्जना महादेव के पास नहीं है। आप चलिए श्मशान घाट में, आप रामपुर हाट गए होंगे श्मशान घाट माँ तारा के पास, मैं तो कल ही परसों वहीं, अब उतना अच्छा नहीं लगता है, प्रोफेशनल हो गया। मैं तो पहले हम लोग आते थे तो बहुत मज़ा आता था, अघोरी लोग रहते थे, मुर्दा जलता रहता था, हम लोग का विषय वही है इसलिए मज़ा आता है, तो हम लोग अब अच्छा नहीं लगता। लेकिन आप जाइए देखिए, वहाँ जो अघोरी टाइप लोग रहते हैं, बाजू में पूरा जो है सो रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष, कमर में रुद्राक्ष, गले में रुद्राक्ष, जनेऊ में रुद्राक्ष, पांव में रुद्राक्ष, और मरा हुआ श्मशान के आदमी का हड्डी चुन के खोपड़ी में डाल के, चावल डाल के, और उसी लकड़ी पर खौला के वो खा रहा है, और इतना रुद्राक्ष पहने हुए है तो क्या छुआ गया? वो जो मुर्दा खा रहा है उसका छुआ ही नहीं रहा है, और आप मुर्गा खा रहे हैं तो छुआ गया? आए, इतना छोटा भाव रखते हैं महादेव का आदमी बनने के लिए। अरे ये जगत का गुरु है, फक्र करिए कि महागुरु का चेला बनने का सौभाग्य आपको मिला है। यहाँ कोई वर्जना नहीं है, हाँ डॉक्टर से सलाह लीजिए, मांस नहीं खाना चाहिए, नहीं खाइए, आपको अच्छी चीज खानी चाहिए, पौष्टिक खाना चाहिए, खाइए, आपको खाना है खाइए, आपको नहीं खाना है नहीं खाइए। इसके लिए न रुद्राक्ष छुआता है, न शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव की प्रक्रिया में कोई बाधा आता है।